लो दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आज मतलब शाम को जो है मैंने ये बड़े बनाए हैं। तो अक्सर बहुत लोग की शिकायत रहती है कि जो है उनका बड़ा जो है अच्छे से नहीं बनता, तेल में तलने पर टूट जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बड़े बनाएंगे ना, तो आपके बड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और बड़े क्या मतलब, बड़े लोग भी और बच्चे भी इसको बहुत चाव से बच्चों ने खाया। और इसके लिए 1 कप साबूदाना ले लेना है, और उसी का 2 गुना मतलब 2 कप आपको पानी ले लेना है ना अच्छे से। और उसको आपको धुल कर उसके बाद जो है एक पानी धो लेना है। उसके बाद इसको लगभग 2-3 घंटे के लिए सिर्फ आपको भिगो कर इसको रख देना है। सिर्फ 2-3 घंटे भिगोना है, ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है। और अब यहाँ मैंने आधा कप मूंगफली ली है, इसको आपको भून के लेना है। और इसमें और कुछ मत न डालिएगा, सिर्फ इसको भून कर आपको लेना है। और भून कर ले लिया, उसके छिलके को निकाल देंगे। और 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपका साबूदाना इस तरीके से भी मतलब फूल जाएगा और पानी सोख कर लेगा। और ये देखिए अच्छे से ये फूल भी उठ चुका है। इसको इस तरीके से दबा कर आपको देख लेना है। और अब यहाँ लिया है आलू, तो ये आलू उबले हुए हैं। तो आप इससे और अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप आलू को जो है ना पहले से उबाल कर रख दें फ्रिज में, तो ये कड़क हो जाते हैं और इससे बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। आलू ऐसा गीली नहीं होनी चाहिए, मतलब सूखी सूखी रहेगी तो बड़े और अच्छे बनेंगे। तो बस आपको इस तरीके से इसको आलू को छील लेना है। और छीलने के बाद जो है हम इसमें जो है इसको ग्रेड करेंगे ना, तो बड़े जो है बहुत ही अच्छे बने साबूदाने के बड़े। तो अगर आपको कोई भी डर है तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बड़े आपके बनेंगे। और बच्चे भी मेरे घर में बहुत ही चाव से खाते हैं। और सभी मतलब बहुत लोग की ये शिकायत रहती है कि टूट जाते हैं बड़े, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे आप अगर इस तरीके से बनाएंगे। और अब आलू को हम ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो पतले या मोटे जो भी आपके पास ग्रेटर हो आप उससे ग्रेट कर सकते हैं आलू को। तो यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, लेकिन मैंने 3 ही आलू ग्रेट किए, 1 आलू ऐसे ही रख दी, ज़्यादा थी आलू। तो बस इत 3 आलू परफेक्ट रहेगी। और अब आलू को इतने साबुदाने के लिए, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी हर चीज़ की बढ़ा सकते हैं। और अब ग्राइंडर में डाल देंगे मूंगफली के दाने को। थोड़ी सी मूंगफली मैंने बचा कर रखी है चटनी बनाने के लिए। और अब धनिया और मिर्ची और अदरक को इसमें डालेंगे। तो यहाँ मैंने डाली है 3 हरी मिर्च और 1 कप हरी धनिया काट कर ले ली है, 3 हरी मिर्च ले ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, और आधा चम्मच इसमें आप नमक डाल सकते हैं, या नमक को बाद में भी। और नमक यहाँ अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक डालिएगा, और अगर नॉर्मली बना रहे हैं तो आप। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। और इसके साथ साथ में हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है। और अब इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे मूंगफली को, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा ही आपको पीसना है। ये देखिए तो एकदम फाइन, ये परफेक्ट है। इसमें आप चाहें तो सेंधा नमक डालकर इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसकी चटनी भी बना सकते हैं आप। और जो है अब आलू जो ग्रेट की थी उसमें हम जीरा डालेंगे और सेंधा नमक डालेंगे 1 चम्मच, और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से आपको इसको मैश करना है। और अब इसमें जो मूंगफली को, धनिया को, अदरक मिर्ची को ग्राइंड किया था ना, उसको इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद उसको ही इसके साथ में मैश कर लेंगे। तो नमक, सेंधा नमक आप डालिएगा अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं, और अगर आप बच्चों के लिए ऐसे ही बना रहे हैं तो इसमें आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, सब्जी के साथ भी इसको चीज डाल सकते हैं। तो बच्चों को टिफ़िन में भी आप बना कर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है बड़ा ये। और इस तरीके से हाथों से इसको हम राउंड राउंड हाथों से गोल बना लेंगे, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको बनाना है। इसको ऐसे तलना नहीं है, इसके आगे और भी प्रोसेस है। तो इस तरीके से सारे लड्डू पहले हमको बना लेने हैं। तो इस तरीके से गोल गोल आपको लड्डू बना लेने हैं।
तो जितना भी आपको खाना हो उतना आप बना सकते हैं और आप रख सकते हैं, जब आपको खाना हो तो गरम गरम आप उसको बना सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट बड़े बनेंगे और बहुत ही क्रंची, बाहर से बहुत क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब मुंह में जाने के बाद एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे बड़े बन गए हैं और अब पैन में मैंने यहाँ मूंगफली का तेल लिया है क्योंकि मैं यहाँ व्रत के लिए बना रही हूँ, और अब जो हमने राउंड राउंड बड़े बनाए थे ना उसको दोनों हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का सा दबा देना है, मतलब किनारे किनारे से पतला रहना चाहिए और बीच में आपको मोटा रखना है, और इस तरीके से सारे बड़ों को हम इस तरीके से दबा देंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम अगर आप वैसे ही प्रोसेस से बड़े बनाएंगे ना तो आपको कभी भी शिकायत नहीं आएगी कि आपके बड़े ख़राब हो गए हैं साबूदाने के, और जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, आपके घर में सभी आपके बड़ाई करने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर प्लीज़ नवरात्रि चल रही है एक दिन ज़रूर बनाएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके भी बड़े सही बने कि टूट गए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और शुरू से लास्ट तक, और देखिए सारे बड़ों को इस तरीके से रेड ब्राउनिश होने तक तल लेना है और फ्लेम को आपको बहुत ज़्यादा धीमा नहीं रखना है और ना बहुत ही ज़्यादा तेज रखना है, तो हल्का लो मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर आपको इसको तलना है और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए तो सारे बड़ों को इस तरीके से एक एक करके हम तल लेंगे और जो है तल के हम इसको निकाल लेंगे। तो एक एक करके मैंने सारे बड़ों को तल लिया है और तल कर अब हम इसको निकाल लेंगे। तो पहला बैच मैंने निकाल लिया, अब दूसरा बैच डाला है तो दूसरे बैच को भी हम अच्छे से तल कर निकाल लेंगे और हल्का रेड ब्राउनिश होने तक इसको हम तलेंगे और उसके बाद जो है हम इसको और सारे बड़ों को मैंने तल लिया है और अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और निकाल कर सर्व करेंगे क्योंकि बड़े जो है गर्मा ही गर्म अच्छे लगते हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, आपको दिखा दे रहे हैं बहुत क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए तो आप देख रहे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बने हैं बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और एक भी बड़े ख़राब नहीं हुए हैं और सारे बड़े बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मैंने अभी जितना, जब आपको खाना हो तब आप इसको तुरंत छानकर और तुरंत ही खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है गर्मा गर्म खाने में। तो मैंने ये शाम के टाइम में बनाया है, शाम के टाइम में चाय के साथ, तो आप भी जब सुबह चाय के साथ या शाम की चाय के साथ इसको बनाइएगा, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा बनाए बड़ा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस नवरात्रि में, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से, और एक भी बड़े ख़राब नहीं होंगे। और सारे बड़े मैंने निकाल लिए प्लेट में और साथ में रखी है मूंगफली और धनिया और मिर्ची अदरक की चटनी, और चाय को भी मैंने कप में निकाल लिया है। और अब मैं आपको बड़ा तोड़ कर दिखा देती हूँ, बाहर से क्रिस्पी है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए तो वो वाला गर्म था ये थोड़ा ठंडा है, ये देखिए तो बहुत ही अच्छे बड़े बने हैं, मतलब देखकर मुझे बहुत ही लालच लग रही थी। तो ये देखिए आप भी 9 दिन का फास्ट है तो ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।